विश्व मृदा दिवस के अवसर पर आज कृषि विज्ञान केंद्र मिंडकौला में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्र के बागवानी वैज्ञानिक डॉक्टर रणवीर सिंह सैनी, कृषि उपनिदेशक पलवल डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर मलिक, प्रगतिशील किसान क्लब के प्रधान विजेंद्र दलाल ने किसानों को भूमि की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि दिनों दिन भूमि की उर्वरकता शक्ति कम होती जा रही है। मृदा दिवस के अवसर पर किसानों को मोटिवेट किया गया है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को हर खेत स्वस्थ खेत के बारे में बताया गया है। हर खेत स्वस्थ खेत योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों की मिट्टी का सैंपल लिया जाएगा। प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच के बाद किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें भूमि में मौजूद पोषक तत्वों के अलावा जिन पोषक तत्वों की कमी पाई गई है उनके बारे में विस्तार पूर्वक ब्यौरा अंकित किया जाएगा। किसान सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से भूमि में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे और जिन पोषक तत्वों की कमी है उनकी आपूर्ति के लिए खादों का प्रयोग कर सकेंगे। ऐसा करने से किसानों को आर्थिक लाभ होगा और भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित होगी। जिन्होंने बताया कि पलवल जिले में करीब 55,749 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से 14,000 सैंपल का विश्लेषण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पलवल जिले में मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 से कम दर्शाया गया, जो कि पलवल जिले के लिए बेहद ही चिंता का विषय है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि आज पूरे संसार में विश्व मृदा दिवस के नाम से आज का दिन मनाया जाता है और ये हमारी जो भूमि है, भूमि की उर्वरा शक्ति दिनों दिन कम होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। इस कड़ी को ध्यान में रखते हुए सभी किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए आज के दिन विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो आज केवीके में लगभग 200 किसानों ने भाग लिया। इसमें सभी मेरे कृषि विभाग के अधिकारी और ब्रह्म कुमारी से श्री राजेंद्र कुमार जी और केवीके से वैज्ञानिक आए हुए थे, जिन्होंने किसानों का पूरी मार्गदर्शन किया और किसानों को विस्तार से मिट्टी के बारे में बताया। जैसे कृषि विभाग द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत एक योजना इसी के तहत चलाई जा रही है, जिसमें टारगेट रखा गया है कि पूरे हरियाणा से प्रति एकड़ हरेक एकड़ का सैंपल लिया जाएगा, जिसमें लगभग 3 साल में 75 लाख सैंपल का टारगेट दिया गया है और 25 लाख सैंपल प्रत्येक साल पूरे जिलों से लिए जाने हैं। 55,749 सैंपल जिला पलवल से कलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 14,000 सैंपल का एनालिसिस हो चुका है। इस सॉयल हेल्थ कार्ड की जो रिपोर्ट है उसमें जिला पलवल का जो ऑर्गेनिक कार्बन है मिट्टी का, वो 0.3 से कम दर्शाया गया है, जो कि किसानों के लिए और कृषि विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि विभाग ने और हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती की एक मुहिम शुरू की है, ताकि सभी किसान भाई प्राकृतिक खेती करें, जिससे हमारा भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ सके। इस अवसर पर किसानों का एक ही आह्वान किया जाता है कि मिट्टी का स्वास्थ्य जो आज बहुत खराब दशा में है कृषि उत्पादन की दृष्टि से, उसको चहुमुखी प्रयास करके और भूमि के स्वास्थ्य को सुधारा जाए, ताकि हमारे किसान निरंतर अच्छी पैदावार ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आय ले सकें। और प्रधानमंत्री का जो सपना है कृषि आय को 2 गुना करने का, उसको जल्द से जल्द साकार करें।
जी आज यहाँ पे मृदा दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे DDA साहब जानकारी दे रहे हैं किसानों को मृदा के बारे में। जी सर बता रहे हैं उसमें केंचुआ खाद डाल के ऑर्गेनिक खेती करके हम अपनी मृदा को बढ़ा सकते हैं, मृदा उत्पादन को, इस बारे में सर जानकारी दे रहे हैं जो किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक। किसानों के लिए किस तरह के ये सेमिनार जो आयोजित किया जाते हैं, किसानों को किस तरह से फ़ायदा देते हैं? सर किसानों को उसकी ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए जानकारी दी जाती है अच्छी अच्छी, जिससे जिसे अपना कर किसान अपनी मृदा को उत्पादन बढ़ा सकते हैं। मृदा दिवस मनाया जा रहा है जी, इसमें हम सभी किसान आए हैं और DDA साहब और हॉर्ट एग्रीकल्चर सभी महकमे आए हैं, उन्होंने हमें मृदा ज़मीन के बारे में बताया है और हमें इनसे काफ़ी लाभ होगा और बताया है उन्होंने जैसे ढेंचा है, मूंग है, उर्वरक खेती करो, इससे किसानों को फ़ायदा होगा और इसमें हम सभी किसान आए हैं और किसान महिलाएं भी आई हैं और दूर दराज से भी काफ़ी किसानों की मात्रा आई है जो हमारे मिर्कोला कीवी के विशेषज्ञ हैं, DDA साहब हैं और भी कई महकमे हैं जिन्होंने इस दिवस के बारे में और सबके बारे में हमें जानकारी दी। तो इस तरह के सेमिनार का किसान को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेंगे सर, हमें नई नई जानकारी मिलेंगे और जो है ये यूरिया DAP जहर है, इससे हमें काफ़ी राहत मिलेगी। तो मृदा को बचाने के लिए, मिट्टी को बचाने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए किस तरह की जानकारी दी गई? जैसे ढेंचा है, मूंग है, देसी खाद है, गोबर है, गाय के गोबर है, भैंस का गोबर है, इनसे सही ये बताई जा रही है सर मिट्टी के बारे में, ये बढ़िया खेती बाड़ी में ये देसी खाद गिरना चाहिए, जो बढ़िया पैदावार हो बहुत फायदा मिलेगा, जो जो खाद नहीं गिरेंगे तो हमें जो बीमारी चल रही है बीमारी कट जाए। आज विश्व मृदा के बारे में जानकारी मिल रही है, धरती की उर्वरक शक्ति कैसे बढ़ाएं, किन किन कारणों से क्या डालें जमीन में, उससे फसल चक्र चेंज करना है, जैसे दाल वगैरह हरी, तो उसी के उसमें कृषि अधिकारी आए हुए हैं, समय समय पर वो यहाँ पर ये लगाते हैं अपने, इससे जी खेती के बारे में जानकारी और भी किसान के जो भी ज़्यादातर आपकी मेरा फसल मेरा ब्यौरो है, फसल चक्र बदलना है, कोई भी जो जानकारी है स्कीम है उसके प्रति जागरूक करें। प्राकृतिक खेती को लेकर और मृदा को लेकर किस तरह की जानकारी दी गई आज? प्राकृतिक खेती के लिए भी गाय का गोबर, गाय के पेशाब की, उसमें एक एक दो दो एकड़ के लिए उन्होंने योजना भी लेके आए हैं, 25,000 रुपये देसी गाय के लिए दे रहे हैं और उसी से अब देखो जी आगे लोग मान भी रहे हैं उसे और उस पर कर भी रहे हैं सरकार की तरफ से स्कीम। कृषि विभाग का किस तरीके से योगदान रहता है, किस तरीके से किसान के साथ मेल मिलाप रहता है? कृषि विभाग का जी बहुत बढ़िया योगदान है, समय समय पर इसकी जानकारी कैंप लगाते हैं, गांवों में जा जा कर भी अपने जो स्कीम है उन्हें किसानों तक पहुँचा में, जो भी उनके पास आवे दाल है, जो भी चीज़ है, मूँग है, ढेंचा है, बरसम है, उन्हें फ़ोन करके अपने वहाँ बुला के फ्री में अनुदान देते हैं उसका, कोई भी स्कीम है उसके लिए तत्पर हैं हमारे।